मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा। एक गुमनामी का समंदर है, वहीं जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सरप्राइज न्यूज गाइस, बिग बॉस 18 में आज से होने जा रही है दिग्विजय सिंह राठी की वाइल्ड कार्ड एंट्री। स्प्लिट्स विला फाइनलिस्ट MTV रोडीज कॉन्टेस्टेंट दिग्विजय सिंह राठी आज करने जा रहे हैं बिग बॉस में ग्रैंड एंट्री। दोस्तों, बिग बॉस 18 शुरू होने से पहले ये र्यूमर्स थे कि दिग्विजय सिंह राठी पहला नाम आ रहा था हर जगह, दिग्विजय सिंह राठी आएंगे करके, पर शो शुरू होने के टाइम उनका लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। गाइज सब शौक में थे, वेयर इज दिग्विजय, वेयर इज दिग्विजय। दिग्विजय को बहुत सारा ट्रोल भी मिल रहा था, आपको आगे दिखाता हूँ वीडियो में। जब शिवेद इंसाइडर बने और जस्ट आकृति म्यूजिक वीडियो में काम कर रहे थे, दिग्विजय सिंह राठी खाली मीटअप कर रहे थे, तब बहुत सारे हेट और ट्रोल बने दिग्विजय सिंह राठी। शिवेद के रोडीज इंसाइडर बनने के बाद दिग्विजय सिंह को क्या क्या ट्रोल किया गया, आप भी देखिए फोटो में। एक भाई ने लिखा है कमेंट में, दिग्विजय फैंस क्राइंग इन कॉर्नर, हा 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 हा। दूसरे ने लिखा है, चुगली आंटी फैंस क्राइंग हियर अगेन, हा हा हा। हग विजय फैंस आर क्राइंग, दे क्रिएटेड फेक पीआर फॉर हिज बिग बॉस एंड रोडीज बट ही डिडंट कम इन रोडीज, हा हा। कोर्स बेचने वाला कहाँ है, हा हा। मुंह दिया दिग्विजय के मुंह पे, ये सारे कमेंट्स आ रहे थे जब शिवेद रोडीज के इंसाइडर बने थे, बट दिग्विजय ने सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया अपने वाइल्ड कार्ड एंट्री से बिग बॉस में। क्या आप लोग एक्साइटेड हो गए दिग्विजय सिंह राठी को बिग बॉस 18 में देखने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं।